दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉ एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी ने बनाई 50 करोड़ की संपत्ति, शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। तो दोस्तों, देखते हैं क्या है, वैसे पता ही कर लेते हैं कहाँ की बात है, कौन से खंड शिक्षा अधिकारी हैं और क्या मैटर है। उससे पहले कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, देखते हैं कहाँ की बात है। सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी जनपद फिरोजाबाद, भ्रष्टाचार में लिप्त श्री जितेंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक नरखी फिरोजाबाद द्वारा आय से अधिक अर्जित संपत्ति की जांच कराने के संबंध में। महोदय, सादर आपके संज्ञान में लाना है कि जितेंद्र सिंह खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा रुपये 50 करोड़ से ज़्यादा की आय अधिक संपत्ति अर्जित कर ली गई है। उक्त खंड शिक्षा अधिकारी की प्रथम नियुक्ति सन 2006 में ग्रुप सी के अंतर्गत 9300 से 34800 ग्रेड पे 4200 में जनपद बुलंद शहर में हुई थी। वहां उक्त खंड शिक्षा अधिकारी तमाम तरह के भ्रष्टाचार से लिप्त पाए गए और खूब अवैध संपत्ति अर्जित की। तदोपरांत इनकी पोस्टिंग जनपद मथुरा में हुई। जनपद मथुरा में नियुक्ति के दौरान उक्त खंड शिक्षा अधिकारी व सर शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना कार्यालय से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त संपूर्ण धनराशि डकार गए। तत्समय बीएसए मथुरा के संज्ञान में आने उक्त खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ FIR कराते हुए उक्त खंड शिक्षा अधिकारी को जेल भिजवाया गया, शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया। बाद में उक्त खंड शिक्षा अधिकारी को बतौर रिकवरी एक बड़ी राशि राजकोष में जमा करानी पड़ी। कुल मिलाकर उक्त खंड शिक्षा अधिकारी ने जनपद मथुरा में ढेर सारा अवैध धन कमाया। तत्पश्चात इनकी नियुक्ति जनपद हाथरस में हुई। वहां भी इन्होंने जमकर भल माल काटी और काली कमाई के झंडे गाड़ दिए। और देखते हैं कहाँ का है। वर्तमान जनपद फिरोजाबाद में उप खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति सन 2018 में हुई। यहाँ पर तो इनके जलवे का कहना ही क्या है। यहाँ पर उक्त खंड शिक्षा अधिकारी के पास हमेशा कम से कम 4 ब्लॉक का चार्ज रहा है। यहाँ तक कि वर्तमान में जनपद में पर्याप्त संख्या में खंड शिक्षा अधिकारी होने के बावजूद इनके पास 2 ब्लॉक का चार्ज है। कारण वही कीटाणु और हाँ, ब्लॉक नारखी इन्हें अति प्रिय है और दूसरे ब्लॉक भी दूसरे किसी भी ब्लॉक को छोड़ सकते हैं, मगर नरखी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते। भले ही कहीं से अट्ठा पंजा क्यों न लगाना पड़े। नरखी ब्लॉक के प्रत्येक विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट से उपखंड शिक्षा अधिकारी 10,000 रुपये अवैध वसूली की जाती है तथा अपनी पसंद के ठेकेदारों से मोटा कमीशन लेकर सभी विद्यालयों में यूनिफॉर्म की आपूर्ति की जाती रही है। ये सभी कृत भ्रष्ट आचरण के पुख्ता सबूत हैं। तमाम शिक्षकों से स्कूल ना आने के एवज में उपखंड शिक्षा अधिकारी 10,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रतिमाह अवैध उगाही की जा रही है। उक्त खंड शिक्षा अधिकारी के पास 4 पहिया वाहन है के पास चार पहिया वाहन है। उपखंड शिक्षा अधिकारी ने महानगर आगरा में दयालबाग क्षेत्र के अंतर्गत नगला तल्फी व सिकंदरपुर की सीमा में 2000 वर्ग गज से ज़्यादा जमीन 3 मंजिल इंटर कॉलेज का निर्माण कराया है, जिसे GBS इंटर कॉलेज के नाम से उपखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि कर्मचारी अधिकारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है। किंतु उक्त विद्यालय के बाहर विद्यालय का नाम नहीं लिखवाया गया है, जिसका फोटो सादर संलग्न है। आगरा जैसे महानगर के पास इलाके दयाल बाग में उक्त खंड शिक्षा अधिकारी का बृहद आलिशान मकान बना हुआ है। उक्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में कई प्लाट बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि भी खरीदी गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक विद्यालय के राशन डीलर से MDM के खाद्यान्न में से, प्रधानाध्यापकों से MDM की परिवर्तन लागत में से बकाया एक बड़ा हिस्सा बतौर कमीशन लिया जाता है। अभी हाल में उक्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय रायपुरा ब्लॉक नरखी के MDM में 100 बोरी से ज़्यादा खाद्यान्न राशन डीलर ग्राम रायपुरा से मिली भगत घोटाला करके लिया गया है, जो कि घोर निंदनीय है। कुल मिलाकर उक्त खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी काली कमाई से करोड़ों रुपये के बारे न्यारे कर लिए हैं।
तथा अकूत आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है। अतः उपरोक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है इस प्रकरण की गुणवत्ता परक जांच सक्षम अधिकारी से कराने कष्ट करें। श्रीमान जी महान कृपा होगी, ये अशोक कुमार हैं कोई, ठीक है। और ये 5/10/2021 का अशोक है पोस्ट, इन्होंने अपना पूरा पता दिया है। और ये जो भी हैं इन्होंने काफ़ी रिसर्च करके रखी हुई है, एक एक डिटेल जो है इन्होंने दे डाली है खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। तो मतलब बिल्कुल कुंडली बना दी है भाई, जो भी है तो इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा वीडियो था, अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए क्या है, क्योंकि किसी से कुछ छुपा तो रहता नहीं है। नमस्कार दोस्तों।